मालिक मकान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अलफला थाने की हुदूद से 3 माह कबल मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 8 साल बच्ची जारा को उसकी खाला ने बेटों और मालिक मकान की मदद से अगवा कर लिया और फिर 3 माह तक बच्ची के अहले खाना उसकी तलाश में मसरूफ रहे। बच्ची की मां की जानिब से दर्ज कराए गए मुकदमे पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुबैना अगवा में मुलविस रिश्तेदार और मालिक मकान को गिरफ्तार कर लिया। 8 साल बच्ची जारा और उसकी मां ने मेट्रो वन न्यूज को बताया कि बच्ची को फरोख करने के लिए अगवा किया गया था। उसको पैसे चाहिए था 3 लाख के, दोनों मामा दियो को बेचा सी, फिर ऐसा इसके फरोख के साथ भाग गए से, वो सबको बेच रही सी। हाँ जी, मारते थे, बेचने की बात 2 दिनों भी हुई थी और मारने की बात हुई थी, एक दिन साठा कत्ल भी करने लग गए थे। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि इब्तदाई तौर पर मामला खानदानी तनाजा मालूम होता है। नहीं, अभी तक तो नहीं मिले, ये इनका आपस का कोई घरेलू तनाजा है, क्योंकि सेकंड शोर का और फर्स्ट शोर का ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। अवलात में बंद बच्ची के कजन मुलजिम लतीफ ने बताया कि भावलपुर में बच्ची की वालदा के पहले शौहर ने उसकी मां और अहले खानों को मुकदमे में नामजद किया, जिसकी गवाही के लिए बच्ची को अपने साथ लेकर गए। वजह ये थी कि पीछे से हमारे जो गांव में वहां पे केस किया हुआ था, जो उसका पहले शौहर था, उसने केस किया था यही अगवा का कि जो मेरी जो साली है, मेरी बीवी को, मेरी बेटी मेरे को अगवा करके लेगा। हम लोगों ने वहाँ पे जाकर बयान देना था क्योंकि हमारे पे केस था। दोनों फरीकैन की जानिब से कलमबंद कराए गए बयानात पर तफ्तीश जारी है, जिसके बाद कार्रवाई मजीद आगे बढ़ाई जाएगी। कैमरामैन मोहसिन रशीद के साथ औरंगजेब जब्बार, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। सिंध के वजीर